हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंद्रवीर सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको हिल क्लाइंबिंग के बारे में बताएंगे। चढ़ाई पे तो सब लोग चलाते ही हैं गाड़ी, लेकिन क्या है अक्सर अटक जाते हैं ऊंचाई पे। तो आज अपन गाड़ी चढ़ाएंगे, जैसे कि नारगढ़ के ऊपर चलेंगे। अभी हम हैं जलमहल से हम सीधा गाड़ी लेके हमारे स्टूडेंट के साथ जा रहे हैं नारगढ़। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे पूरा देखिएगा। आखिर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, ऊँचाई पर चढ़ते वक्त क्या करना है और उतरते वक्त क्या करना है। ओके, तो आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में हैं, तो इनको आज हम लेके चलेंगे, इनको बताएंगे गाड़ी कैसे चढ़ती है हिल क्लाइंबिंग पे। तो हाँ जी, आपका नाम बताइए भैया। भरत है। तो आज आप ऊपर हिल पे चढ़ाओगे, तो आपको कैसे, आपने कभी पहले चढ़ाई है? तो आज ये फर्स्ट टाइम चढ़ाएंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं। जो हम गाड़ी है वो है बलिनो। आप देखिए कैसे हम इसको लेके जाते हैं, कैसे चढ़ती है गाड़ी, क्योंकि कई लोगों के डाउट होता है कि पहाड़ी पे गाड़ी कैसे चलती है, पहाड़ी पे हम कैसे चलाएं, क्या होता है, कौन से गियर में चलना चाहिए हमें पहाड़ी पे। तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर कर देंगे। आपने सीट बेल्ट लगा ही लिया, सारी चीज़ें ठीक है। मैं भी अपना सीट बेल्ट पहन लेता हूँ। चलिए, गाड़ी इंजन स्टार्ट हो गया। सारी चीज़ें इनको ऑलरेडी मैंने क्लास दे रखी है, तो इनको सारी बेसिक चीज़ें तो मालूम है, तो बाकी की चीज़ें अपन देखते हैं। चढ़ाई पे हमें क्या करना चाहिए कि सबसे लो गियर में चढ़ना चाहिए चढ़ाई पे, कभी भी हाई गियर में नहीं चढ़ना चाहिए। लो गियर पे चढ़ना चाहिए, हाई गियर पे नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि और मेन बात आती है कि गाड़ी स्टॉप हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। गाड़ी स्टॉप होने पे हमें क्या करना चाहिए, गाड़ी स्टॉप होते ही हैंड ब्रेक लगा लेना हमें हिल क्लाइंबिंग पे। राइट इंडिकेटर ले लो, राइट टर्न लेंगे, यू टर्न, टोटली सही है। गियर डाउन करो, फर्स्ट लगाओ, क्लच मत छोड़ो अभी, फर्स्ट बंद होगी ना गाड़ी, मैंने बोला ना फर्स्ट, डिपेंड कर रहा अपनी स्पीड पे। 0 to 10 निडल आ गई, इसलिए फर्स्ट लगेगा। चलो बिल्कुल, सेकंड लगाओ, चलो। और लोग बाग क्या करते हैं कि हील से उतरते वक्त अपनी गाड़ी के इंजन को ऑफ कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इंजन ऑफ करने से क्या होता है, आजकल की गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वगैरह आते हैं, तो वो इंजन ऑफ करने के बाद में काम नहीं करते हैं। तो फिर जब वो ब्रेक, पेट्रोल बचाने के चक्कर में लोग बाग ऐसा करते हैं, लेकिन जब वो ब्रेक लगाते हैं अपने, फिर गाड़ी नहीं रुकती है उस टाइम पे गाड़ी चले ही जाती है, चाहे आप कितना ही रोकना। और फिर उस समय हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता है कि, या बंदे का दिमाग इतना नहीं चलता है कि वो चाबी ऑन करके जल्दी से और उसको इंजन स्टार्ट होके और वो ब्रेक लगा ले। उस टाइम वो देखता है कि अब मैं क्या करूं, वो ऐसे आखिरी समय में वो अटक जाता है और गाड़ी नीचे ही चल जाती है खाई से। तो यहाँ से खूब हादसे हुए हैं, तो हम उनके बारे में आपको सेफ्टी एंड प्रिकॉशन सारी चीज़ें बताएंगे कि अपन को क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे। तो चल आगे से, आगे पूरा वीडियो देखिए, आप वीडियो को आखिर तक देखिए। तो अभी से वैली स्टार्ट हो चुकी है, तो कई लोगों को गाड़ी चलानी आती है फिर भी वो घबराते हैं कि क्या करें, हम कैसे चढ़ाएं, क्योंकि उनके डाउट रहता है हमेशा कि कैसे चढ़ती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो सिटी में गाड़ी चला लेता है वो हिल क्लाइंबिंग पहाड़ी इलाके में भी आराम से चला लेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे क्या, ब्लाइंड मोड्स होते हैं, अंधे मोड, आगे वाला है लेफ्ट, ब्लाइंड मोड होते हैं, तो सामने से क्या है, जैसे अभी व्यू नहीं आ रहा कि कौन सी गाड़ी आ रही, तो ऐसे में हमें अलर्ट और हमारी लेन में बनी रहनी चाहिए गाड़ी, उस लेन में नहीं जाना है। अब जैसे लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करो, बिल्कुल, अब लेफ्ट टर्न लेंगे अपन, ठीक है। तो सेकेंड गियर लगाओ, गियर डाउन करो, पीछे साइड व्यू मिरर में देखो, कोई नहीं है, चलो बिल्कुल।
तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला फोर्ट के लिए, आमेर महल के लिए ऊपर रास्ता जा रहा है, टर्न करो। बिल्कुल फर्स्ट गियर लगाएंगे, गियर डाउन कर लिया, अब चलो धीरे धीरे स्ट्रेट करते हुए स्टेयरिंग, इंजन स्टार्ट कर, स्टार्ट ही ऑलरेडी। अब जैसे इनकी गाड़ी अभी आते ही पीछे जाने लग गई, तो इनको वो ही चीज़ बताएंगे कि रुकते ही गाड़ी को क्या करना है। गाड़ी ऐसी जगह पे रुकते ही अपने हैंड ब्रेक लगा लेना है हमारी गाड़ी के। आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही है उसमें एंटी हील रजिस्ट आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली पीछे नहीं जाती है। जैसे यहाँ पे साइन बोर्ड भी बना रखा है कि गाड़ी पीछे स्लाइड करेगी, हाइट है, तो ऐसी में फिर हैंड ब्रेक लगा लेना हमें। फिर हैंड ब्रेक लगा के सारा प्रोसीजर, हॉर्न दो, ब्लाइंड टर्न है, ताकि कोई भी आ रहा हो तो उसे पता चल जाए कि भाई कोई गाड़ी है। देखिए आप कैसी ब्लाइंड वैली है, बिल्कुल ये प्रसिद्ध है अपनी ऊंचाई के लिए और बिल्कुल सुंदरता के लिए भी। चलिए अपनी लेन में ही रखो, ओवरलैपिंग नहीं करनी है, ओवर लंबे लंबे टर्न नहीं लेने अपन को, ठीक है। हॉर्न अपनी लेन में रखो, अगर सामने से गाड़ी आ गई तो अचानक से वो हमारे ऊपर ही चढ़ेगी फिर, बिल्कुल हॉर्न देते हुए, ताकि आगे कोई भी चल रहा हो तो उसे दिख जाए। बिल्कुल हाँ सही है, बिल्कुल सही है, हॉर्न देते हुए, और ब्लाइंड टर्न है तो पाँव भी ब्रेक पे आ जाए। चलो बिल्कुल सही है, अब राइट है, लंबा लेंगे, ऐसे नहीं कि आप उधर चल जाओ, आने वाला स्पीड में आ रहा हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो वो हमारे ऊपर ही आ जाएगी गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, हॉर्न सेकंड गियर में चल रही है जैसा कि आप देख सकते हो हमारी गाड़ी, और आराम से, कोई इशू नहीं है। थर्ड गियर इसलिए नहीं लगा रहे हैं, थर्ड गियर लगाते ही गाड़ी क्या दबेगी, टॉर्क नहीं आएगा और स्पीड बढ़ेगी, जो स्पीड यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो है वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, और हमें हमेशा सेफ्टी, सुरक्षा और सावधानी के साथ में चलना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, हॉर्न विथ हॉर्न, स्पीड अपने कंट्रोल में ही, बिल्कुल बिल्कुल ही ब्लाइंड है, बिल्कुल ही यू टर्न टाइप में टर्न है, बिल्कुल सही है, चलते रहेंगे। राइट है तो लंबा लेंगे अपन, सही है, और देखो पाँव ब्रेक पे ले लिया करो किसी के भी आते ही, बिल्कुल पाम ब्रेक पेडल पे है, बिल्कुल चलिए। तो हमें यही सेफ्टी रखनी, जैसे अभी ब्लाइंड टर्न है, पाम ब्रेक पेडल पे आ जाएगा, हॉर्न लगाओ और बिल्कुल बस, अब चलो, अब थोड़ा व्यू आ रहा है, इजी गोइंग है, आराम से चल सकते हैं, अगले को भी बचाना है, खुद को भी बचना है, सेफ रहना है, सीधा स्ट्रेट करते हुए। बिल्कुल गाड़ी आ रही है तो अपने थोड़ा दबा लेते हैं साइड, सही चलते रहो, सही निकल जाएंगी दोनों गाड़ियाँ, ज़्यादा भी किनारे नहीं लेंगे अपन, एक रेशियो अनुपात बनाते हुए। हाँ और देखो हॉर्न तो और लगेगा, बिल्कुल हॉर्न देते हो, गाड़ियां आ रही है अपनी लेन में ही चलो बिल्कुल सही है। तो अभी हम स्टॉप करेंगे, ये ऊंचाई है, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने वाले हैं, रोक लीजिए गाड़ी और आपको बताएंगे कि अब कैसे चलती है। अब जैसे ही आप फुट ब्रेक छोड़ो, गाड़ी पीछे जाएगी, जा रही है पीछे, देखो पीछे जा रही है गाड़ी, और छोड़ो देखें, जा रही है ना, ठीक है। अब एसएम के हैंड ब्रेक लगा लेना, यस, अब फर्स्ट गियर लगाओ, फर्स्ट गियर है, अब हाथ हैंड ब्रेक पे ले लो अपना, बटन पे है ना, बंद हो गई, स्टार्ट करो इंजन, अभी रेस लो 5-10% और लो, फिक्स कर लो एक्सीलेटर का लेवल, हाँ इतनी रखो, रखो एक्स्ट्रा रहेगी। अब जैसे ही क्लच छोड़ो धीरे धीरे, और छोड़ो क्लच, छोड़ो धीरे धीरे, बिल्कुल छोड़ो क्लच धीरे धीरे, अब गाड़ी जैसे ही रेस रखो थोड़ी, और रखो रेस,
अब हैंड ब्रेक डाउन होगा। जैसे ही गाड़ी मूव हुई तो हमने हैंड ब्रेक डाउन कर दिया, बस यही चीज़। तो गाड़ी स्टॉप होते ही हैंड ब्रेक लग जाना चाहिए, जान दो ओवरटेक कर रही है, करने दो। बिल्कुल, और बढ़ाओ, अभी सेकंड लगा लो। चलो अभी सनराइज हुआ ही है, सुबह सुबह मॉर्निंग में आए हैं हम लोग, तो अभी आप देख सकते हैं कि खाली है, नहीं तो खूब ज़्यादा ट्रैफिक मिलता। हमें तो इन्हें एक्सपीरियंस करवाना था कि भाई कैसे चलती है, कैसे चढ़ती है, तो इनको डाउट नहीं रहे, फुल ट्रेंड हो जाता है। जो भी बंदा इधर वैली में गाड़ी चला लेता है तो उसको फिर कोई डाउट्स नहीं रहते हैं, वो फुल ट्रेंड हो जाता है। बिल्कुल सही है। अभी देखो यहाँ पे किनारे पे बस ओनली पत्थर स्टोन्स हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ स्टॉप करेंगे, क्लच दबा लो पाम ब्रेक पे, थोड़ा साइड में किनारे पे लेके आ। बिल्कुल न्यूट्रल, हैंड ब्रेक विदाउट बटन। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से व्यू आ रहा है, पूरा जल महल वगैरह दिख रहा है यहाँ से पूरा। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ। अब हमारी हाइट पे खड़ी है वापस गाड़ी, तो हमें क्या करना है, वही फर्स्ट गियर लगाना है पहले। और अभी रुको, जैसा कि मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि गाड़ी की एक्चुअल पोजीशन क्या है। अभी गाड़ी की एक्चुअल पोजीशन यह है कि गाड़ी हाइट पे खड़ी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ से चढ़ने में अभी प्रॉब्लम आती है, तो कैसे चढ़ती है, क्या होता है, वापस से हम इनको करके दिखाते हैं, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी इन्होंने गियर लगा ही रखा है, स्टीयरिंग टर्न कर ली राइट साइड में, ठीक है। अभी रेस डिसाइड कर ली, हाँ, हाथ हैंड ब्रेक पे आ गया, क्लच छोड़ो, रेस लेके हल्के हल्के छोड़ो, हाँ छोड़ो, अब हटा दो हैंड ब्रेक, चलो और ले रेस ले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सीधी कर लो और बढ़ाओ, हाँ चलने दो, सही है बिल्कुल, यस सीधी करते और सीधी करो, सेकंड लगा लो। हॉर्न देते हुए ब्लाइंड है, पाव ब्रेक पे ले लो क्लच दबा के, अब छोड़ो क्लच फिर चलो और बढ़ाओ, सेकंड में चल रही, सेकंड ही रहेगा, दबेगी नहीं तो गाड़ी। सही है बिल्कुल, हॉर्न देना, ब्लाइंड है टर्न। और ऐसी जगह पे आके क्या लोग बाग टर्न पे खड़े हो जाते हैं, टर्न पे कभी भी नहीं खड़ा होना है, टर्न पे खड़ा होना रिस्की रहता है। अब स्पीड बढ़ा सकते हो आप, अब क्लियर है रोड थोड़ी थोड़ी, यहाँ हॉर्न देते हुए फिर से ब्लाइंड है। देखो देखो क्या कर रहे हो, क्लच छोड़ो, क्लच दबा के रेस नहीं लेनी है, छोड़ो पूरा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में क्लच छोड़ के फिर लेना है एक्सीलेटर, हाँ करो टर्न करो और करो, सही है। डीपर दिखा दो, डीपर दिखा दो, बस चलो, कितना ओवर लेके आ रहे हैं ये, चलो चलो क्लच छोड़ो, बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही रिस्की है, हाँ इसलिए बिल्कुल व्यू नहीं आ रहे हैं। और सुबह सुबह लोग बाग आते हैं फ्रेश एड लेने के लिए, चलते रहो। बिल्कुल, हाँ टर्न करते रहो, सही है, बिल्कुल सही है, फिर सीधी कर लो स्टीयरिंग, वैसे तो ये टूरिस्ट प्लेस है लेकिन अभी मॉर्निंग आवर्स में कोई टूरिस्ट नहीं है, ओनली लोकलिटी है, लोकल बंदे ही हैं सारे। चलिए सही है, वेरी गुड, आ रही है, इसको भी साइड दे देंगे, हाँ सही है, डीपर भी यूज लिया करो, चलो देखो पाम ब्रेक पे। बिल्कुल चलिए,
चलते जाओ, सही चल रहे हो, हॉर्न दे, हाँ थोड़ा लेफ्ट रखते हुए, अपनी लेन में रखते हुए, हाँ ताकि कोई सडनली आए तो भी, हाँ जैसे चलो अभी दो रास्ते आ गए, अपन लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट उधर जयगढ़ किला है, जयगढ़ फोर्ट, और इधर है नारगढ़ फोर्ट, तो हम नारगढ़ की तरफ जाते हैं। ले हाँ एक्सलेशन करो और थोड़ा और करो, तो फ्रेंड्स आपको ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा, ना कोई ड्राइविंग स्कूल वाला बताएगा, ये सब सारी चीज़ें मैं ही आपको बता रहा हूँ। ऐसी कोई भी रिस्क नहीं लेता कि अपने नए स्टूडेंट को लेके और यहाँ पे आ जाए और चलवाए। तो आप देखते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको इसको देखने से एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, पहले ही अनुभव हो जाएगा कि भाई हम भी जाएँ तो हमें क्या सेफ्टी क्या करना चाहिए हमेशा। तो अभी हम पूरी हाइट पूरा रास्ता तय करके और हाइट पे पहुंच चुके हैं, साइड में लेफ्ट में थोड़ा सा, सही है बिल्कुल। स्लोप है, अपने पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो, क्लच भी प्रेस कर लो, स्पीड अपने कंट्रोल में रखो, सही है। दोस्तों आज का वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए यूजफुल है। आराम से क्लच दबा लो, पाँव ब्रेक पे ले लो, सामने गाड़ी खड़ी है, धीरे, हाँ हाँ स्टॉप कर लो हल्का हल्का करके, फर्स्ट लगाओ, वो इशारा कर रहा है कि चलो रेस दे के, हाँ धीरे धीरे बिल्कुल आराम से आराम से आराम से, देखना बिल्कुल नैरो है, सही है। दो गाड़ी निकलना बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है, चलो यहाँ पे भी खड़े हैं, ले लो आराम से, देख सकते हैं आप व्यू, सही है। लेफ्ट इंडिकेटर जलाओ, स्टॉप करेंगे, रोक लो, थोड़ा और आगे जान दो साइड में, अभी स्टॉप कर लो, रोक लो, ब्रेक पड़े बिल्कुल ही नहीं दबा रहा वो साइड, तो आप ही कोई दबानी पड़ेगी। अभी हम वापस यू टर्न लेके वापस चलेंगे, तो जैसे ही खुली जगह आए जहाँ से हमें लगता है कि हमारी गाड़ी यू टर्न ले सकती है, वहाँ से, यहाँ से नहीं हो पाएगा पॉसिबल, थोड़ा और आगे फिर यू टर्न लेके वापस चलते हैं। तो स्लोप का क्या प्रोसीजर है वो भी आपको बताते हैं, यहाँ से हो पाएगा पॉसिबल, स्लो करो, हाँ बिल्कुल राइट में टर्न कर लो, पूरी टोटली स्टीयरिंग पूरी, हाँ अब चलो पीछे मिरर में देखते हुए, हाँ जाने दो थोड़ा आगे तक जान दो, हाँ बस बस यहीं स्टॉप कर लो, रिवर्स गियर लगाओ, सही है, पूरी टर्न कर लो, सही है, पूरी करो टोटली एंड तक, ताकि कम समय में कम जगह में टर्न कर पाए, हाँ चलने दो थोड़ा और लो, बस 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 अब राइट टर्न कर लो, चलो सही है, चलो एक्सीलेटर लेके धीरे धीरे क्लच दबा लो, स्टार्ट करो, ऑफ हो गई, ले एक्सीलेटर लो थोड़ा सा, और रिटर्न करने के लिए रेडी रखना, देखो टर्न नहीं करी पूरी, स्टार्ट करो क्लच दबा के, स्टीयरिंग पूरी टर्न करो ताकि शॉर्ट जगह में, स्टार्ट करो पहले क्लच दबा के, पूरी रोटेट करो पूरी, है ना, अब चलो रेस ले थोड़ा एक्सीलेटर, चलो सही, रिटर्न करने के लिए रेडी रखो हैंड्स को, जैसे जैसे डिस्टेंस कवर कर रही है, हाँ क्लच छोड़ दो बिल्कुल, चलो अब सीधी कर लो पूरी,
और स्लो करो, हॉर्न दो, स्लो करो और स्लो करो, अब निकल जाएगी, छोड़ो ब्रेक पेडल। सही है, डीपर दो एक बार, चलो बस इजीली निकल जाएगी। इसको भी डीपर देना चाहिए। चलो अगला बंदा क्या करेगा कि साइड दबाएगा, आपको स्पेस नहीं देगा वो अगला बंदा। अगला बंदा ऐसे सोचेगा मैं तो नहीं उतरू नीचे, लेकिन अगले को साइड में, कई लोगों को जजमेंट भी कम होता है, कई लोग जानबूझ के भी ऐसा करते हैं कि अपनी गाड़ी नीचे नहीं उतारना चाहते। जो लेफ्ट साइड के टायर होते हैं वो नीचे नहीं उतारते रोड से, वो ये सोचते हैं कि भाई मैं नीचे नहीं उतारूँ, पता नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। या तो ज़्यादा किनार हो रोड और अपने ज़मीन की हाइट बिल्कुल में ज़्यादा डिफरेंस हो तो नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि नीचे से इंजन का चैम्बर वगैरह अट जाता है। लेकिन जब जगह मिल रही है उनके पास स्पेस, तो अगले बंदे को और ख़तरे में डाल रहे हैं, वो नीचे नहीं उतारते अपनी गाड़ी को। नीचे उतारनी चाहिए हमेशा, प्रॉपर साइड दे देनी चाहिए। वो इस हिसाब से दे रहे हैं कि साइड व्यू मिरर तो अड़ ही जाए एटलीस्ट। साइड दे दो उसको, क्लच दबा लो पाम ब्रेक पे, अभी नहीं दे पाएंगे, चलते रहो, आपको इश्यू नहीं है। अगर है जगह तो दे दो, लेकिन अभी बाइक आ रही है, अभी नहीं जा पाएगा वो। तो अगर ऊंचाई पे जैसे आपकी गाड़ी सेकंड गियर में चल रही है, सेकंड में नहीं चढ़े तो फर्स्ट लगा लो, थर्ड में चल रही है तो थर्ड में दब रही है तो फिर सेकंड लगा लो, मतलब फर्स्ट तो गियर आपका कहीं से भी आपको चढ़ाते हुए ले ही जाएगा फर्स्ट गियर, तो पाम ब्रेक्स पे राइट लेंगे, स्लो करो और स्पीड आप। सही सही, क्लच दबा के अब चलो। क्लच दबा लो, पाम ब्रेक कर ले, क्लच दबा लो पाम ब्रेक पे। आगे गाड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा, उसकी ब्रेक लाइट जल रही है मतलब वो ब्रेक लगा रहा है, हमें भी पाम ब्रेक पे रखना है, स्लो पे। इसलिए यहाँ पे जो कर्व है वो काफी ज्यादा है, पहाड़ को काट के फिर रास्ता बनाया गया है, और टर्न करते रहो। अब क्लच दबा लो पाम ब्रेक पे। कई लोग बोलते हैं कि क्लच दबा के नहीं उतारनी चाहिए, गाड़ी गियर में है, और आजकल की गाड़ियों में ABS आ रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, ABS विद EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, और ABS का मतलब ही यही होता है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग, स्लो करो और स्लो करो। देखो देखो बिल्कुल, अब चलो पाम ब्रेक पे रखो क्लच दबा के, अपने आप ही जाएगी यहाँ पे गाड़ी, स्लो करो और स्लो करो, स्पीड और स्लो होगी, हाँ आराम से डिस्टेंस मेंटेन रखो अगली गाड़ी से। पाम ब्रेक्स पे अपने आप ही चलेगी यहाँ पे, रेस की एक्सीलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी तो लोग बाग अपना इंजन ऑफ कर लेते हैं वो यही तो सोचते हैं कि हाँ भाई अब अपने आप चल रही है गाड़ी, बंद कर लो पेट्रोल बचा लेते हैं, लेकिन पेट्रोल के चक्कर में है ना काफी नुकसान हो जाता है पाम ब्रेक पे क्लच दबा के। लंबा लेंगे राइट टर्न है ना, इसलिए आने वाली है इंडिकेटर मत दो, यहाँ पे एक ही रोड है ना सिंगल, इसलिए बिल्कुल सीधी करो पाम ब्रेक पे लाओ। धीरे स्लो करते हैं, फिर से पाम ब्रेक पे आ जाएंगे। स्लोप में गाड़ी अपने आप ही भागेगी, तो ब्रेकों से ही हम इसे एडजस्ट करते रहेंगे, तो हमारे पीछे भी गाड़ी आ रही है
और स्लो करो और स्लो करो। बिल्कुल, और रोटेट करो और करो टर्न और करो। बिल्कुल सही है, फिर स्लो करो स्पीड थोड़ी। सही है, हमारे पीछे भी गाड़ी चल रही है, वो हमें साइड के लिए फोर्स कर रहा है, लेकिन हम नहीं दे सकते। धीरे धीरे पाम ब्रेक पे क्लच दबा देखो, स्लो स्लो कंट्रोल में रखो स्पीड। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, उतरते वक्त ही होता है। हाँ, स्लो करो और स्लो करो और स्लो करो। पाम ब्रेक पे और स्लो, और स्लो होगी और स्लो होगी। ज्यादा नियर बाई जा रहे हो आप, ज्यादा नजदीक जा रहे हो। और स्लो और रोटेट करो। अभी ऐसे ही रहेगी स्टीयरिंग, आप करो सीधी इसको। दबा के पाव ब्रेक्स पे और स्लो करो स्पीड और स्लो करो। पाम ब्रेक्स पे और स्लो है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आपको आगे से आगे नए नए वीडियो के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई नॉलेज आपको मिलती रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड।